दोस्तों नमकीन तो आप लोग जरूर खाते होगा और उसमें पंजाबी तड़का जरूर खाई होगी, मगर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ काका जी नमकीन की मेगा फैक्ट्री के अंदर और आई एम श्योर इससे पहले आपने पंजाबी तड़के की वीडियो कभी नहीं देखी होगी। तो पूरी वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मजेदार होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मजा आएगा। तो ले दोस्तों, हमारे पंजाबी तड़के की ना रेसिपी शुरू हो चुकी है। देखिए सबसे पहले डाला जा रहा है मशीन के अंदर ना पानी, और इसके बाद सारा मटेरियल डाल के ना अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो ये गया दोस्तों इसके अंदर पोटैटो फ्लैक्स सबसे पहले, और इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स किया जाएगा पानी के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पोटैटो फ्लैक्स है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, और उसके बाद इसके अंदर डाला जा रहा है दोस्तों कॉर्नफ्लावर। ये देखिए, तो ये गया हमारा कॉर्नफ्लावर सारा का सारा, इसको भी अच्छे से मिक्स किया कर लिया जा रहा है। सबसे पहले हमने इसमें पोटैटो फ्लैक्स डाले थे, अभी डाला कॉर्नफ्लावर। तो दोस्तों हमारा बैटर जो है ना मिक्स होने के बाद इसके अंदर डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल। और ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये जो हमारा बैटर है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, जिस तरीके की चाहिए हमें प्रॉपर तरीके की, वही आने लगी है। और देखिए सरसों के जब हमने इसके अंदर ऑयल डाला ना, तो हल्का जो कलर है वो मस्टर्ड ऑयल कलर का जो होता है ना, पीला पीला हल्का सा, वो हो चुका है। और हमारा बैटर जो है दोस्तों वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल लिया जा रहा है इस बर्तन के अंदर, और यहाँ से ना लेके जाया जाएगा अपने मशीन के पास, जहाँ पे इसका पंजाबी तड़का जो है ना बेसिकली वो तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो डो है वो आ चुका है मशीन के पास, जिसको कि एक्सट्रूडर कहा जाता है। एक्सट्रूडर बेसिकली क्या होता है, जब हम इसके अंदर डो डालते हैं ना, जो हमारा पंजाबी तड़के का शेप होता है ना, अलग सी शेप आती है, वो उसको शेप देता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो हमारा बैटर है ना वो शेप में निकल के ऑयल में फ्राई होने के लिए जा रहा है। तो नीचे हमारा फ्राइंग ऑयल है, और एक्सट्रूडर के थ्रू हमारा जो बैटर है और जो डो है बेसिकली वो सारा का सारा उसमें निकल रहा है। जैसे हम घर में भी भुजिया बनाते हैं ना, कभी घर में आपने भुजिया बनते हुए देखा किस तरीके से हम उसको डालते हैं तो नीचे से शेप निकलती है, उसी तरीके का कुछ काम है इसका। सारा का सारा मटेरियल दोस्तों ये आ चुका है हमारे फ्रायर के अंदर, और फ्रायर ना काफ़ी गर्म है। यहाँ पे ना एक से डेढ़ मिनट, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो मटेरियल है वो गर्म होता है, फ्राई होता है बेसिकली। और ये ना इस टाइमलाइन पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो सारा का सारा हमारा जो पंजाबी तड़का है वो निकलता है। देखिए क्या बढ़िया तरीके से यहाँ से फ्राई होकर ना ये कन्वेयर बेल्ट से बाहर आ रहा है, और बिल्कुल हीट जो है ना बड़ी प्रॉपर है, काफ़ी ज़्यादा हीट है। और देखिए यहाँ से ऐसे आके ये सामने हमारा यहाँ पर गिरता है। यहाँ पे दोस्तों रीसाइजर लगा हुआ है। रीसाइजर क्यों? क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं ना हमारे पंजाबी तड़के, तो कुछ पीसेस होते हैं जो लंबे होते हैं, कई छोटे रह जाते हैं। जो लंबे पीसेज है ना उनको एक ही साइज़ का, मतलब सारे के सारे जो हमारा पंजाबी तड़का है वो यूनिफॉर्म एक साइज़ का हो जाए, उसके लिए यहाँ पे डिसाइजर लगाए, जिसको कि वो साइज़ में परफेक्ट साइज़ में इसको कर देता है हमारे पंजाबी तड़के को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये बेल्ट है, ये देखिए ये कन्वेयर बेल्ट है जो कि आगे लेके जाता है हमारे पंजाबी तड़के को। और यहाँ पे ना दोस्तों डी ऑयलिंग भी होती है, जैसे कि जब ये फ्राई होके आया तो इसमें ना ऑयल होता है, मगर उसके बाद क्या करते हैं ना, ये बेल्ट पे जैसे जैसे हमारा मटेरियल आगे बढ़ता है ना, जो ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल होता है, वो सारा का सारा नीचे निकल जाता है, और जो हमारा ये जो पंजाबी तड़का है बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैन्युअली इंस्पेक्शन भी की जाती है। मैन्युअली इंस्पेक्शन करने का क्या हेल्प, मतलब क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं ना जैसे ओवर बर्न हो जाती है, शेप सही नहीं आया है, तो वो शेप को मैन्युअली हाथों से निकाल दिया जाता है और उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये देखिए ये बेल्ट हमारी आगे जा रही है जहाँ पे फ्लेवर मिक्स किया जाएगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हो दोस्तों हम आ गए हैं फ्लेवरिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पे ना फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना फ्लेवर डाला जा रहा है हमारे पंजाबी तड़के के लिए, और ये सारा का सारा फ्लेवर देखिए किस तरीके से यहाँ पे ना नाप तोल के डाला जाता है, और बिल्कुल प्रिसाइज जो हमें फ्लेवर चाहिए ना वो निकलता है मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए ऊपर से मसाला डाला जा रहा है, और यहाँ से देखिए ये निकल रहा है, यहाँ से पंजाबी तड़के का जो मसाला है वो निकल रहा है इसमें से, और ये सारा का सारा इस बेल्ट इसके अंदर जा रहा है मिक्सर के अंदर, और उसके अंदर ये सारा का सारा हमारा पंजाबी तड़के के साथ मिक्स होकर अच्छे से फ्लेवर देता है उसको। तो दोस्तों जो पंजाबी तड़का हमने वहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाला था ना, वो देखिए अच्छे से मिक्स होते हुए ये ड्रम में, फ्लेवरिंग ड्रम बोलते हैं इसको, उसमें मिक्स होते हुए देखिए ये सारा का सारा जो हमारा पंजाबी तड़का है ना इस एलिवेटर पे आ रहा है, देख रहे हो बेल्ट के ऊपर। और ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छी लग रही है ना, बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है किस तरीके से सारी ये चीज़ें बनाई जा रही है, मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद ये देखिए इस बेल्ट के थ्रू यह आगे बढ़ रहा है हमारा पैकेजिंग के लिए जा रहा है बेसिकली। ये देखिए इस बेल्ट के थ्रू यहाँ से ये ऐसे निकलते हुए यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर ये बकेट एलिवेटर्स लगे हैं, बकेट एलिवेटर्स में आप देख सकते हो ये जो हमारा मटीरियल है ना वो जा रहा है, और यहाँ से ठीक ऊपर जाएगा पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स हमारा ना बकेट एलिवेटर से होते हुए ना मटेरियल जो है पंजाबी तड़का बेसिकली वो यहाँ से आके ना इस सेपरेटर के अंदर गिरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना हमारी बेल्ट चल रही है, वो बेल्ट पीछे से आ रही है, जहाँ से वो ऊपर आई थी ना वहाँ से बेल्ट ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आई है, और यहाँ पे मटेरियल हमारा आ चुका है।
ये हमारा सेपरेटर भी गिरता है, मल्टी हेड सेपरेटर है ये। इसमें क्या होता है, बेसिकली 14 हेड्स लगे हुए हैं, देखिए कि आप देख सकते हैं अलग अलग हेड्स लगे हुए ना, और ये इसमें से ना फिक्स अमाउंट में यहाँ पे मटेरियल गिरता है, जितना वेट हमने सेट किया हुआ है उसी अमाउंट में ये इसके अंदर जाता है, और उसके बाद ये पैकेजिंग सेक्शन में, जो इसके नीचे हमने पैकेजिंग रखा हुआ है जिसमें रैपर लगा हुआ है, उसके अंदर जाके पैक होता है। अब दिखाता हूँ दोस्तों पैकेजिंग, ये देखिए सारा का सारा पैकेजिंग सेक्शन है, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया आपको किस तरीके से वेट से हमारा मटेरियल नीचे आ रहा है। अब दिखाते हैं कि पैकेजिंग किस तरीके से होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं जिनके थ्रू ये पैकेजिंग हो रहा है, और उनकी खास बात क्या है ना, पैकेजिंग के साथ साथ ना दोस्तों यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स और ये सारी चीज़ें भी लगी हैं, ताकि हमारा जो नमकीन है उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स ना हो, और जो हमारा नमकीन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास जाए। तो ये है दोस्तों वो मशीन जिसमें ना हमारी पैकेजिंग की जाती है, देख सकते हो यहाँ पर ना रोल लगा है, ये हमारे ब्रांड का काका जी, ये देखिए यहाँ पर रोल है ना वो घूम रहा है, और यहाँ से जो हमारी शीट है बेसिकली पैकेजिंग वाली वो आगे जा रही है मशीन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारी जो शीट है वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ना इसकी प्रिंटिंग होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह होती है ना, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सी एक्सपायरी डेट है, वो सारी सेटिंग करके ना उसको अच्छे से यहाँ से पैकेजिंग के लिए आगे लेके जाया जाता है। ये रोल हमारा आगे जा रहा है। ये है दोस्तों हमारा डिस्पेंसर, जो मैंने आपको मटेरियल दिखाया ना ऊपर से जो गिर रहा था हमारा फिक्स अमाउंट में वेट में बेसिकली, वो यहाँ पे आता है, और ये जो हमारा शीट है उसके साथ यहाँ पे देखिए पैकेजिंग हो रही है, देख रहे हो यहाँ से हमारा मटेरियल आ रहा है, ये ऊपर से गिर रहा है ये देखो, और ये इसके थ्रू नीचे जा रहा है, और यहाँ पे हमारे जो पैकेट्स हैं वो पैक हो रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो हमारे पैकेट्स हैं ना वो पैक करके यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ये भी एक बेल्ट है छोटी सी कन्वेयर बेल्ट, जहाँ पे हमारे ये देखिए पैकेट्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे निकल के बाहर आ रहे हैं, और इनको उसके बाद बॉक्स में पैक किया जाता है। ये देखिए यहाँ से ना सप्लाई से निकलते हुए ये आया, और इस तरीके से कार्टून में ये 12-12 के जो पैकेट्स हैं वही इसको देखो यहाँ पे सेट किया जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों काका जी ब्रांड का जो हमारा पंजाबी तड़का है बिल्कुल रेडी है, और दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे ये सारा प्रोसेस देख के ना, मज़ा आ गया। और किस तरीके से यहाँ पे ना देखिए इसको कार्टन में ना यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद इसकी पैकेजिंग की मतलब पैक किया जाता है बेसिकली बड़े बड़े बॉक्सेस में, और उसके बाद इसको लोड करवाया जाता है ट्रक में और कस्टमर्स के पास भेज दिया जाता है। देखिए कितने सारे बॉक्सेस जो है ना वो यहाँ लाइन से लगे हुए हैं, सारे के सारे हमारे पंजाबी तड़के जो हैं वो पैक हो रहे हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा बॉक्स भर भी गया है, ये देख सकते हो है ना, तो अब इसको किया जाएगा पैक और इसको भेजा जाएगा कंटेनर के अंदर। फाइनली हमारा पंजाबी तड़का ना काका जी ब्रांड का पंजाबी तड़का रेडी हो चुका है और मेरे हाथ में आ चुका है। दोस्तों सेटिस्फाइंग प्रोसेस था पूरा का पूरा, किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया गया और एंड में फाइनल प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं जो हमने आज पंजाबी तड़का बनाया है वो किस तरीके का बना है ना। ये देखो मसाला जो बेसिकली जो फ्लेवर यूज़ कर रहे थे ना, वो जब मैं बनते हुए देख रहा था ना तब जो खुशबू आ रही थी उसकी बड़ी मज़ेदार थी। अब इसको फाइनली टेस्ट करके भी देखते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारे हाथ में, और साइज़ भी दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट स्नैकिंग है बेसिकली है ना। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। आपको ना इसकी साउंड भी आ रही होगी क्रंच की, जैसे मैंने बाइट ली ना उसकी क्रंचीनेस है बहुत ज़बरदस्त है, और जो इसमें फ्लेवर यूज़ किया गया ना वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल है, चटपटा सा है, मज़ेदार है। तो दोस्तों इनकी जो फैक्ट्री है वो करनाल में है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी प्रोडक्शन की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस पैकेट को मैं फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।